वेलकम बैक। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा फ्लूड प्रेशर है, फ्लूड प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा है। देखिए, आज फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ए क्लोज्ड ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्वी लेटरल ट्रायंगल आपको लेना है, यानी तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। ट्रायंगल कॉन्टेंस इच कॉन्टेंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ थ्री लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स, ठीक है। एंड इट प्लेस्ड विथ इट्स लोअर साइड हॉरिजॉन्टल। प्रूव दैट इफ द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड आर इन एपी, देयर सरफेस ऑफ सेपरेशन विल बी एट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन वगैरह किए थे उसी तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमको क्या करना है कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि ए बी सी हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम लोग जो है तीन तीन तरह का लिक्विड लेंगे जो इंटरमिक्स नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक लिक्विड जो है आपका वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे डॉट्स के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो ये एक लिक्विड है आपका। फिर जो दूसरा लिक्विड है, तो इसको चाहे तो आप ऐसे ऐसे अलग अलग मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेटर हो, ठीक है ना। एक ये लिक्विड है, दूसरा जो लिक्विड है हम लोगों का वो ये वाला लिक्विड है, दूसरा वाला, ठीक है। ये जिसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ तक आता है, ये मेरा दूसरा लिक्विड है, ठीक है। तो हमको स्पेशल केस नहीं लेना, एक आर्म में एक ही लिक्विड लेंगे, ऐसा नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या करना है, हम लोगों को इस तरह से बांट लेना है, ठीक है। और जो थर्ड जो लिक्विड है वो ये लिक्विड है, ठीक है। इस आर्म में ही आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। इस तरह का देखिए तीन लिक्विड है, ठीक है। इन तीनों को मैंने अलग अलग कलर से दिखा दिया है, रेड ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये ब्लू, ठीक है। ये तीन तरह का लिक्विड है, इस तरह से लगा हुआ है। तो जो है हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी मेरा क्लोज ट्यूब है, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। लेट ए जो है मान लेते हैं तीनों का साइड लेंथ है, क्योंकि तीनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए ए और ए सपोज कर लेते हैं। पी क्यू आर जो है वो पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ सेपरेशन मान लेते हैं, यानी इसका पी है, इसका जो है क्यू है, और इसका आर है, ठीक है। अब इनका जो डेंसिटी है वो एपी में है, तो इस तरह से ले लेंगे जैसे हम लोग पिछले बार लिए थे, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें भी यही क्वेश्चन था। पोर्शन जो मेरा पी ए क्यू है, देखते जाइएगा, पी ए क्यू है ना, यानी जो आपका रेड पोर्शन है। पी ए क्यू क्या है? ये है आपका रेड पोर्शन, देख लीजिए। हैविंग लिक्विड, इसका जो डेंसिटी है वो सिग्मा माइनस रो है, नीचे वाले का सिग्मा प्लस रो लेंगे चूंकि ये सबसे भारी होगा, ठीक है ना। ये भी नीचे ही है लेकिन इसका सिग्मा ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब हो गया। चलिए, अब हमको बस कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए क्यू को एक्स ले लिया गया है, तो ए क्यू एक्स है, ठीक है। ये अगर एक्स है तो सी आर भी हम लोग एक्स लिए हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्वल शेप है, ठीक है। और ये मेरा साइड लेंथ ए है, तो ये अगर एक्स होगा, देखिए इस आर्म में अगर ये छोटा वाला एक्स होगा तो इस आर्म में ये छोटा वाला एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ठीक है ना। वो फिगर आप बना लीजिएगा, इक्वल नहीं लिया गया है, जो शॉर्ट वाला, जैसे देखिए ये मेरा जो है लॉन्ग है, लॉन्ग ट्यूब है, ये मेरा शॉर्ट ट्यूब है, ठीक है, रेड के साथ, है ना, जो रेड लिक्विड है उसके साथ में, ठीक है ना। तो अगर हम इसका शॉर्ट वाला जो लेंथ है वो एक्स लेंगे, तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट वाला को एक्स लीजिएगा, ये भी शॉर्ट ही लीजिएगा, इक्वल मत रखिएगा, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों लिक्विड का लेंथ क्या है? सेम है, ठीक है, ये गिवेन है हमारा। तो अब आइए देखिए, तो हमको जो है पहले ये देखना है कि प्रेशर
एट लोअर यील्ड बी, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या होगा, ठीक है। हम यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर एट बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग का जो कॉलम है वो है ए पी बी, तो ए पी बी की वजह से प्रेशर एट बी ड्यू टू लिक्विड कॉलम ए पी बी क्या हो जाएगा, तो एक तो इसके वजह से होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला हम लोग बताए थे क्या होता है, डेंसिटी लेना है, जी लेना है और लिक्विड कॉलम लेना है, ठीक है, वर्टिकल, ये वर्टिकल लेंथ होता है ना। चलिए, तो इसका डेंसिटी हो गया जी हो गया, इसका वर्टिकल कॉलम ए से लेकर के ई तक, ए ई, ठीक है, रेड वाले का ये हो गया मेरा वर्टिकल कॉलम ए से लेकर के ई तक, ठीक है। तो ए ई प्लस इसका लेंगे, ठीक है, तो इसका डेंसिटी है सिग्मा प्लस ब्लैक वाले का है रो प्लस सिग्मा जी, और इसका क्या लेंगे, इसका हम लेंगे, तो इसका जो कॉलम बनेगा वो ई से लेके एफ तक, ई एफ, ठीक है, ई एफ ये बनेगा। तो अब इसका जो वैल्यू है वो हम लास्ट पुटअप कर लेंगे, वैल्यू पुटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कि बी पे हम लोगों का निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बी पर ए क्यू सी की वजह से निकालेंगे, ठीक है, बी पर भी बोल सकते हैं और इसको आप सी पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एट सी बोल दी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो प्रेशर एट सी, ठीक है, सिमिलरली लिखा हुआ है ये, सिमिलरली, ठीक है, प्रेशर एट जो सी है वो क्या होगा, प्रेशर एट सी ड्यू टू लिक्विड कॉलम ए क्यू सी, ए से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो फिर से वही होगा, पहले तो ऊपर का डेंसिटी सिग्मा माइनस रो इंटू जी, और ये इसका लिक्विड कॉलम ए डी रेड वाले का इधर, ठीक है, और जो ब्लू वाला है तो ब्लू वाला का लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगा, ये डी से एफ तक हो जाएगा, डी से एफ यहाँ तक, ठीक है ना, डी से एफ, इसका डी एफ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बट एट सेम लेवल प्रेशर आर सेम, सो क्या होगा, पी एट बी इक्वल टू क्या होगा, पी एट सी होगा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज वो वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। अब सब वैल्यू उन्होंने निकाल लेते हैं कि किसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ए ई का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको ये पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ निकाल के, ठीक है ना। देखिए यही हम लोगों का है, चले, और बीच में एक ले लेते हैं लाइन, ठीक है ना, जो जो है, देखिए एक हमको तो डी फाइंड करना है, एक हमको ए डी फाइंड करना है जो जरूरत है, सो एक हमको जो है ए ई फाइंड करना है, और एक हमको कह सकते हैं कि ए एफ फाइंड करना है, ठीक है ना, ये हमको फाइंड करना है। चलिए तीन जगह पे जो लाइन है वो हम ले लिए, यहाँ यहाँ और ये लास्ट वाला, ठीक है। अब देखिए ये लेंथ मेरा एक्स है, ये लेंथ एक्स है, तो ये मेरा क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, और फिर ये पूरा लेंथ मेरा ए है, ठीक है ना, ए से लेके सी तक। अब देखिए आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा 60 डिग्री होना है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है, ये भी मेरा कितना होगा, ये भी मेरा होगा 30 डिग्री। तो चलिए, तो ए डी की बात करें तो ए डी क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा आपका एक्स कॉस 30 डिग्री, ठीक है, ए ई सॉरी ए ई अगर पहले हम ए डी निकाल रहे हैं, ए डी हो जाएगा मेरा एक्स कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ए डी यहाँ पे पुटअप करना है, जहां पे जिसको पुटअप करना है उसको देख लीजिएगा, तो ए डी का वैल्यू निकाल लिया, तो ये हो जाएगा एक्स रूट 3/2, ठीक है। फिर आइए देखिए ए ई, ए ई क्या हो जाएगा, तो ए ई देखेंगे तो ये मेरा ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स रूट 3/2, ठीक है। फिर ए एफ अगर हम लोग निकालें तो ए एफ हम लोग का क्या हो जाएगा, ए एफ हम लोगों का हो जाएगा पूरा लेंथ ए है, तो ए कॉस 30 डिग्री, यानी ए रूट 3/2, सब जगह तो कॉस 30 आ रहा है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर
देखिए एक हमको ई एफ फाइंड करना है ना, तो जब हम लोग ई एफ निकालेंगे तो ई एफ क्या हो जाएगा, तो ई एफ जो है वो निकालने का तरीका होगा, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ए एफ माइनस ए ई, ठीक है, ए एफ माइनस ए ई। अब देखिए ए एफ में ए ई को घटाइएगा आपस में तो क्या आएगा, तो सिंपली मेरा बचेगा एक्स रूट 3/2, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू डाला हुआ है ना, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे डाला हुआ है किसका, ए ई का, ये ए ई का वैल्यू है देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू डाला हुआ है ये है मेरा ई एफ का, ठीक है, ये जो वैल्यू है एक्स रूट 3/2, ये है मेरा ए डी का, ठीक है, और ये जो वैल्यू है मेरा जो इसमें डी एफ में डाला गया है ना, तो ये डी एफ का है, डी एफ, ठीक है। अच्छा तो डी एफ कैसे निकाल लेंगे, तो डी एफ भी आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए डी एफ के लिए क्या करेंगे, तो डी एफ निकालने के लिए हम लोग ए एफ में ए डी को घटा देंगे, ठीक है। तो ए एफ में ए डी को घटाइएगा, ए एफ माइनस ए डी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा डी एफ, ठीक है। तो ए एफ माइनस ए डी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, तो कुछ करना नहीं था, सम में रूट 3/2 है, हट जाएगा, ठीक है, सबको हटा दीजिए, जो बचता है देखिए वो यही बच रहा है, इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एक्स का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ओके। तो इधर जैसे देख सकते हैं, इधर ये बच रहा है और एक्स वाले को अलग कर दीजिए, तो इधर ये बच रहा है, यहाँ से आ जा रहा है हमारा क्या आ रहा है, ये जो रिलेशन आएगा वो आएगा माइनस सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 सिग्मा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, सिग्मा सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ए बाई 3 आ जा रहा है। तो हमको जो सेपरेशन जो मालूम करना था, तो वो सेपरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम लोग उस सेपरेशन को लिख लेंगे कि जो लिक्विड कॉलम का जो सेपरेशन है, ठीक है, जो सेपरेटिंग सरफेस है वो कैसा है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है, देयर फोर देयर फोर अच्छा एक देखिए क्वेश्चन आपको क्या डिमांड किया था ना, क्वेश्चन क्या डिमांड किया था हम लोगों को, क्वेश्चन के थर्ड डिमांड कि पी क्यू आर अगर सरफेस ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड किया है, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, यस ये क्वेश्चन था, देयर सरफेस ऑफ सेपरेशन विल बी एट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो बोल रहा था कि जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है वो क्या है, वो ट्राइसेक्शन होगा साइड्स का, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो साइड को 1/3 लेंथ पे बांटेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो एक्स का वैल्यू है वो ए बाई थ्री है, ठीक है, तो ए बाई थ्री जो है वो क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज क्या, दिस इज 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ साइड, है ना, लेंथ ऑफ इच साइड, चूंकि सारा साइड इक्वल है तो 1/3 है, देयरफॉर क्या, सेपरेशन ऑफ जो मेरा लिक्विड कॉलम्स है, लिक्विड कॉलम्स आर क्या है, आर ट्राइसेक्शन ऑफ साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा था उसका आंसर हम लोग का मिल गया है, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखें ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है, आया हुआ है कई बार। इसमें क्या है, एक ट्यूब है इन दी फॉर्म ऑफ ए पाराबोला, पाराबोला के फॉर्म में है, हेल्ड विथ इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड, ठीक है, यानी जो है इसको इस तरह से रखा गया है, ठीक है,
एंड एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस का वर्टिकल है, इज फिल्ड विद द टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी एस एंड एस डैस, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम फोकस बी आर एंड आर डैस रिस्पेक्टिवली, शो दैट डिस्टेंस ऑफ देयर कॉमन, ये फिर से देखिए यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, तो कॉमन सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देखे थे, ठीक है, तो अभी फिर देखेंगे। तो आपको चाहिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत है तो चलिए आप एक बार फिगर बस देख ले, फिगर आप देख ले तो अब तो आपसे बन ही जाना चाहिए। तो फिगर आप देख लीजिए, ठीक है, इस तरह का पाराबोला है, ओके, और इसमें दो लिक्विड कॉलम है, ठीक है, और दोनों का जो है फोकस से आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ये पाराबोला है ना, एक जो हमारा इसमें जो पोर्शन है वो है जो हम लोगों का वो है ए वाई बी, एक लिक्विड का ए वाई और बी, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है वो है बी सी, यानी बी से लेकर सी तक, ये हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। डेंसिटी एस और एस डैश है। अब यहाँ पे जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो एस ए है वो आर है, ठीक है, और जो एस सी है वो आर डैश है, ठीक है। हम लोग एस बी को कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है, बी इज कॉमन सरफेस, बी हमारा कॉमन सरफेस है, ठीक है, ऑफ लिक्विड्स, है ना, जो दो लिक्विड है उन दोनों का कॉमन सरफेस है। चलिए अब देखिए हमें फिगर में हम लोग देखेंगे तो फिगर से अगर हम लोग देख ले, देखिए फिगर में क्या क्या हम लोग किए हैं, ठीक है, ये जो इंड पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों का वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके, अच्छा। अब जो कि हमको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जैसे ये देख लें आप, ये डिस्टेंस देख लें और ये डिस्टेंस देख लें, तो ये हो गया, तो इसको हम नाम दे रहे हैं पी, ठीक है, ओके, और ये जो है ये सी है, तो ये सी है तो ये भी सी ही लेंगे, क्योंकि ये थिकनेस हम लोग बहुत नैरो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा आर डैश माइनस आर, ठीक है ना, ओके, ये जो लेंथ है, ओके, पी सी, ये जो लिक्विड कॉलम है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आर डैश हो जाएगा माइनस, क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे हम लोग आर ले लेंगे, ठीक है। देखिए एस ए को स्मॉल आर लिया गया है, एस सी को आर डैश लिया गया है, ठीक है, और एस बी को हम लोगों ने कैपिटल आर लिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक पैराबोला का रिजल्ट यूज करना है, ठीक है, पैराबोला का रिजल्ट क्या होता है उसको पहले देखिए, हाँ रिजल्ट, ठीक है, क्या होता है, हम ये जानते हैं कि अगर कोई पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला मान लीजिए, ठीक है, और ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पैराबोला और ये मेरा है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा पैराबोला है, और यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये मेरा है फोकस, ठीक है, एस, ये क्या है, ये है फोकस, हम लोग एक चीज जानते हैं, तो कोई हम अगर पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट लिए, क्या लिए, सी, ठीक है, तो सी को एस से ज्वाइन कीजिए और सी को सी से एक परपेंडिकुलर डाली डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है, ये मेरा है डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए हम यहाँ से डालते हैं एस पे, ये डाले और इधर ये डाले परपेंडिकुलर, और इधर हम मान लीजिए मेरा पे कोई पॉइंट है पी, तो पी से एस का डिस्टेंस और पी से इसका डिस्टेंस पी एन, ये बराबर होगा, ठीक है। तो इन जनरल आप पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई पाराबोला है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका ये है, तो यहाँ पे कोई भी फोकस एस होता है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है, तो पी से जो एस का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस पी से लेके एम का होता है, ये आपस में इक्वल होता है, ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए,
ये जो डॉट लाइन है इसको थोड़ा सा आप पैरेलल कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से, तो आपको काम करने में आसानी होगा। अब देखिएगा, तो हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी एस, ठीक है, सी है, सी से हम लोगों ने एस को मिलाया, ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर ये लेंथ हो जाएगा आपका सी डी के बराबर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा सी डी के इक्वल हो जाएगा सी और डी। अब देखिए सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं सी क्यू, ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा चले देख लेते हैं, यहाँ से तो हमारा जो है वो काम करना हमारा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो मेरा सी एस इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा सी डी हो गया, ठीक है ना, तो इन दोनों का वैल्यू आर डैश है, ठीक है। अच्छा अब ये जो बी है, तो जैसे यहाँ पे बी है तो इसको भी बी ही लेके चलेंगे हम लोग, इसको कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नैरो होता है तो इसको बी ही लीजिए। हाँ, तो ऐसा बोलेंगे कि जो एस से बी तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिर ये बी से ई तक के बराबर होगा, बी से ई तक का डिस्टेंस के बराबर होगा, और बी ई क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएगा आपका कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये आर डैश है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी सी, तो पी सी को क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर आप देखिएगा तो पी सी को लिख सकते हैं सी डी माइनस, पूरा सी डी में घटा दीजिए किसको, बी ई को, ठीक है, तो सी डी क्या है आर डैश और ये है माइनस आर। इस तरीके से ये पहला रिजल्ट हम लोगों को मिल गया कि पी सी क्या है, मेरा पी सी जो है वो है आर डैश माइनस आर है, ठीक है। इसी तरीके से हमको निकाल लेना है सारा डिस्टेंस को। पी सी का मतलब क्या हो गया, पी सी का मतलब हो गया कि हम लोग इसका जो है इस लिक्विड कॉलम का हाइट निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि जो पी सी आपका यूज होना है वो इस लिक्विड कॉलम के लिए, इसके लिए यूज होना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखिए, हम लोग जो है, अगर हमारा लोअर मोस्ट जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, वाई लिया हुआ है, ठीक है, ओके, ये एस वाई, तो ये वाई है तो इसको भी वाई ही कहिए, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमको यहाँ तक के निकालने के लिए पहले हम इधर का लेंथ का निकालेंगे, ठीक है, इधर का लेंथ का निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा कि इसका वर्टिकल पोर्शन क्या है, तो इसका वर्टिकल पोर्शन को आप ऐसे दिखा सकते हैं ये, तो उसके लिए मेरे को निकालना होगा, ठीक है, ये पी क्यू लेंथ, ठीक है, क्या निकालना होगा, ये पी क्यू लेंथ, तो पी क्यू लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा बी ई है, जो कि ये इधर आर है, ये आर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी बी से लेके ई तक आर होगा, ठीक है, ये पूरा आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी क्यू निकालने के लिए पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो हमारा, ठीक है, पी क्यू निकालने के लिए पी से क्यू, अच्छा ठीक है, हाँ, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये आपका ए है ना, एस से लेकर तो वाई तक आपका क्या है, एस वाई आपका ए है, ये दिख रहा है, ठीक है, तो एस वाई ए है, तो हम लोग इसको जो हमारा बीई है, बीई में एस वाई को घटा देंगे, ठीक है, तो बीई क्या आया था, तो बी ई मेरा आर ही है, ठीक है, और एस वाई क्या है, एस वाई है ए, ध्यान से निकालिएगा, तो आपका जो बी क्यू है, ये क्यू है तो ये भी क्यू ही ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो बी क्यू लिखा हुआ है, बी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर माइनस ए हो जाएगा, ये जो है इस लिक्विड कॉलम का वर्टिकल हाइट हो गया, ठीक है ना, इस लिक्विड कॉलम का, ओके, यहाँ पे हमारा पी क्यू काम कर जाएगा, पी क्यू बोलिए या तो बोलिए क्या बी क्यू, एक ही बात है, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है कि ये जो बोला लिक्विड कॉलम है, ये इसका वर्टिकल हाइट क्या होगा, इसका हाइट देखिए ये देख सकते हैं ये है, ठीक है ना, ये तो ये जो हमको निकालना है एक्चुअली, तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरा आर है, तो ये भी पूरा आर होगा नीचे तक, ठीक है, स्मॉल आर, तो ए से लेके एफ तक, ठीक है, क्योंकि ए एस और ए एफ ये आपका बराबर होगा, और ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है,
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ठीक है इसमें हम लोगों को ये पोर्शन को माइनस करना है। कौन सा पोर्शन को? ये पूरा जो है उसमें हम लोगों को ये नीचे वाला पोर्शन को माइनस करना है, ठीक है ना। ओके तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जैसे ये हम लोगों का पूरा आर है, ठीक है। अच्छा तो आर में हम लोग नीचे वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो लेंथ होता है वो ए होता है, ठीक है, फ्रॉम दी वर्टेक्स, ठीक है। तो चाहे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके तो इसका यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब स्मॉल आर में ए को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आर माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जो लोअर मोस्ट ये पॉइंट होता है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट ये ए डिस्टेंस पे होता है, तो यहाँ से ये बात हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी रिजल्ट याद रखना है आपको कि जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये भी मेरा क्या होता है, ए होता है। ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। तभी फोकस ए जीरो होता है और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस ए होता है। इस तरीके से आप ये भी निकाल लेंगे, ए आर भी आपका निकल गया। तो सारा जो मेन लिक्विड कॉलम है उसका आप निकाल लीजिएगा, एक प्रॉपर्टी यूज करना है बस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इक्विलिब्रियम का हम लोग यूज करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाने वाला है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रेशर एट वाई, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, ड्यू टू पार्ट ए वाई, ठीक है, ए वाई की वजह से, ठीक है, जो भी होगा वो इक्वल होगा प्रेशर एट वाई ड्यू टू पार्ट वाई बी प्लस बी सी, यानी वाई बी और प्लस ये जो बी सी है, ठीक है, इन दोनों का जो पोर्शन है, इधर से जो प्रेशर मिलेगा, ठीक है, दोनों का ऐड हो करके, और जो इधर से मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा। तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, बीच में इक्वालिटी लगा देंगे। इधर का क्या होगा, तो इधर का देखिए, डेंसिटी रो जी जेड है ना, डेंसिटी जी, और इधर का क्या आ गया है, इधर का आ गया है आर माइनस ए, यही आया है ना, आर माइनस ए, ठीक है। इधर का क्या होगा, इधर का हो जाएगा फिर से एस इंटू, ठीक है, एस या डेल्टा लिया गया है, देख लीजिएगा, है ना, डेल्टा हो या एस हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों इधर का तो सेम है, जो इसका है वही इसका भी है, ठीक है। तो डेल्टा जी, फिर इसका था आर माइनस ए, ठीक है, फिर इसका लेंगे तो एस डैश, जो कि इसका अलग है, डेल्टा डैश है या एस डैश है, जी आर डैश माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सारा जी कैंसिल हो जाने वाला है, हटा दीजिएगा, और बाकी जो कैलकुलेशन बचता है तो उसको आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बच रहा है, डेल्टा लेके चलते हैं, तो डेल्टा आर माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा कैपिटल आर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा आर डैश माइनस डेल्टा डैश आर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है और इधर हम लोगों का ये टर्म बच रहा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बहुत आसानी से हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जो हमको प्रूफ करना था कि जो उसका कॉमन सरफेस है, वो कॉमन सरफेस का, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कैपिटल आर ये होगा। तो देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह यूज हो रहा है उसको आपको अच्छे से नोटिस करना है कि क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी वगैरह को यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आए, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा ये सब देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देना है एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। क्या है, ए फाइन ट्यूब बेल्ट बेल्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स इज हेल्ड विथ इट्स मेजर एक्सिस वर्टिकल, यानी ट्यूब को ऐसा रखा गया है इस तरीके से ताकि इसका मेजर एक्सिस वर्टिकल रहे, ठीक है। विद डेंसिटी है रो वन रो टू रो थ्री, थ्री लिक्विड लेना है हम लोगों को, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, इन इसको ऑर्डर में लेना है, यानी पहले रो वन को, फिर रो टू को, फिर रो थ्री को,
अगर R1, R2, R3 जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम द फोकस, तो प्रूफ करना है ये रिजल्ट, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत ही सिंपल रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है, इसको हम लोग आसानी से प्रूफ करेंगे। ओके, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, प्रूफ करना है, ये वाला नहीं है, इसको हटा दीजिए, सिर्फ ये प्रूफ करना है, ठीक है। R1 रोवन माइनस रो टू, रोवन माइनस रो थ्री, ये रो थ्री होगा, ठीक है। R1 रो टू माइनस रो थ्री, ठीक है। R2 रो थ्री माइनस रोवन, और R3 रोवन माइनस रो टू इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बस शुरू हो जाइए, कुछ है नहीं, है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। फिगर अगर आपको समझ नहीं आता, देखिए फिगर समझ लीजिए, यही फिगर है ना। इसको हम लोगों ने फोकस लिया है, एलिप्स का दो फोकस होता है, तो एक फोकस देखिए एक्स ले लेंगे, ठीक है। के एम को जो है लिया है हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स, ये के एम है मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गिवेन है वो क्या गिवेन है, ये गिवेन है कि जो एस ए है, एस से लेकर के ए तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए ए लिया गया है, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि थिकनेस बहुत हम लोगों का बहुत माइनर होता है। तो ये R2 है, ठीक है, जो SD है, S से लेकर के D तक का, ठीक है, ये भी D लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का R1 है, और जो S से लेकर के C तक का है, ठीक है, वो है मेरा R3, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, आपको दिया हुआ था कि R1, R2, R3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम आइदर फोकस, किसी भी एक फोकस से, तो इस फोकस को चुन करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, फिगर आपको सब समझ में आ गया। ई हमारा इसेंट्रिसिटी है, और इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि एस सी, ठीक है, और फिर इधर हमारा सी एम, ठीक है। तो देखिए असल में ये भी सी है, तो ये भी सी हो सकता है, बाद में मिटा दिया गया, हर्ज नहीं है, ये भी डी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सी एम लिखा गया, तो सी एम लिखिए या सी एल लिखिए, बात बराबर है। तो असल में एस सी बाई सी एल होगा, तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस सी बाई सी एल इक्वल टू ई। तो यहाँ से आपको सी एल और सी एम दोनों एक ही लेंथ है, सी एम बोलिए या सी एल बोलिए, तो ये लेंथ आपको निकल जाएगा, ठीक है। सी एस आपको दिया हुआ है, क्या है, R3 है, ये हो जाएगा आपका R3 बाई ई, ऐसे लिखिएगा, है ना। इसी तरीके से जो ए के है, ए से लेकर के तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए से लेकर के तक का, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों का क्या होगा, ठीक है, तो ये R2 से निकल जाएगा, R2 बाई ई, और जो हमारा ये डिस्टेंस है डी से लेकर के एल तक का, ठीक है, जो डी एल है, डी एल, तो ये मेरा निकल जाएगा SD बाई DL इक्वल टू ई, तो ये हो जाएगा R1 बाई ई। बस यही काम करना था, है ना, आपको ये मिल गया है। देखिए अब ध्यान दीजिए, आपका काम कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग देखें, तो हम लोग देखेंगे कि एक ही वर्टिकल लाइन में, जैसे एक वर्टिकल लाइन भी आप खींच सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन हम ले लिए, यहाँ पे कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है, ये लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, क्या हम लोग कर लेते हैं के एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट है, सबसे ऊपर मेरा जैसे डी पॉइंट दिख रहा है, फिर यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, एक वर्टिकल में करके ले रहे हैं, और एक मेरा सी पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों का जो ए से के तक है, ये के, तो ए के मेरा क्या आ गया, ए के मेरा आ गया R2 बाई ई, सी के मेरा आ गया, ठीक है, ओके, सी के, है ना, सी के का मतलब वही है कि मतलब नीचे तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सी एम वो मेरा आ गया R3 बाई ई, ठीक है, और ये मेरा आ गया है R1 बाई ई। इसको आप बहुत सिंपल बना सकते हैं, देखिए, क्योंकि हमको लेना था किसमें, ऑर्डर में लेना था, तो R1, R2, R3 है वो आपका किसमें है, वो आपका ऑर्डर में, तो जो सबसे बड़ा है वो R1 बाई ई, उससे छोटा वाला R2 बाई ई, और जो सबसे छोटा है वो R3 बाई ई। आप ये बहुत आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो इसमें काफी आसान हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है BZ, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है, ओके, तो जो EN है,
ई से लेकर के एन तक, देखिए ये ई है मेरा, ओके, और एन, एन मेरा कहाँ पे है, ये देखिए एन है, क्योंकि हमको एक जो वर्टिकल कॉलम है वो ई एन निकालना पड़ेगा, तो ई एन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, ई एन निकालने के लिए आपको पता है कि जो हम लोग का पूरा इलिप्स है, ठीक है, तो जो मेरा इलिप्स है, तो इलिप्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सपोज कर लेते हैं ना कि ये जो इंड है मेरा, ठीक है, ये चूंकि दोनों सेम इंड है, तो ये जो है नीचे से बी नॉट डिस्टेंस पे, इसको आप लेट ले लीजिए, ठीक है, बी जेड को हम लोगों ने बी लिया, लेट बी जेड इक्वल टू बी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ई जेड इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना जो ये जो लेंथ है ई, ठीक है, तो ये भी जैसे हम लोगों का ई है, ये भी ई है, तो ई से लेकर के जो ये नीचे तक है, ठीक है, जेड, ये पूरा लेंथ को हम क्या ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं बी नॉट, देख रहे हैं ना, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक का लेंथ बी नॉट, ठीक है। अगर ये बी नॉट है तो अब आपका देखिए ई एन क्या होगा, तो ई एन हो जाएगा मेरा, जैसे हम ई एन लिखेंगे तो ई एन क्या होगा, पूरा बी नॉट माइनस, इसमें क्या माइनस कर देंगे, ये देखिए ए का जो पैरेलल डिस्टेंस है, यानी ए से लेकर के नीचे तक का, यानी क्या है, ये है आपका आर टू बाई ई, ठीक है। इसी तरीके से जो हम लोग एन बी निकालेंगे वर्टिकल कॉलम दूसरा लिक्विड का, यहाँ एन से लेकर के ये बी तक, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा तो आर टू बाई ई है, ए लेवल से क्या है आर टू बाई ई, और इसमें हम घटा देंगे क्या नीचे वाला बी जेड को, यानी माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे लिक्विड कॉलम ई एफ, ये ई और ये एफ, ठीक है, तो ई एफ कैसे निकालेंगे, तो ई एफ में पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक का ई जेड है, ठीक है, ई जेड यानी बी नॉट, उसमें एफ जेड को घटाएंगे, एफ जेड क्या है, एफ जेड टॉप जो मेरा सेपरेशन सरफेस है डी, उसका हाइट है आर वन बाई ई, ठीक है। तो देखिए आपको बस जो लिक्विड कॉलम है ना उसका हाइट आपको मालूम कर लेना इस तरीके से, जैसे मैं मालूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो चीज़ हमारे लिए जरूरी है उसको आपको मालूम कर लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये है कि एक है हमारा कि और कौन कौन सा बच गया, तो और हमारा बच गया है सी आर, देखिएगा क्योंकि एक इस तरफ जो पोर्शन है तो वो ये है यहाँ से एच से लेकर के बी तक, ठीक है, एच से बी का मतलब क्या है, सी से लेके आर तक, तो सी आर क्या होगा, तो सी आर एक्चुअली क्या है, तो सी आर, ठीक है, हो जाएगा मेरा पूरा सी एम माइनस माइनस क्या होगा बी जेड, ठीक है, बी जेड आपका बी है और सी एम क्या है, सी एम जो है वो है आर थ्री बाई ई, ठीक है, तो आर थ्री बाई ई में बी को घटा देंगे, है ना। क्या बच गया और निकालने के लिए, एक देखिए एफ एच निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफ एच, ओके, एफ एच क्या है, देख लीजिए एक और कॉलम बच जा रहा है मेरा, तो ये बच जा रहा है, ठीक है ना, ये जो मेरा जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो लिक्विड कॉलम है, यानी एफ से लेकर के एच तक जो वर्टिकल हाइट है, तो एफ एच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट डी है, देख रहे हैं, ठीक है ना, तो डी एल ले लीजिएगा, डी एल माइनस सी एम, ठीक है, तो डी एल मेरा पूरा बी नॉट है, नहीं सॉरी, डी एल मेरा पूरा हाईएस्ट वाला आर वन बाई ई है, और जो सी एम है वो आर थ्री बाई ई है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वन माइनस आर थ्री बाई ई, ठीक है। सारा लिक्विड कॉलम का जो हाइट है वर्टिकल हाइट वो हम निकाल लिए हैं, तब हमको बस क्या करना है, इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो मेरा लोअर मोस्ट पोजिशन है बी, तो प्रेशर एट बी ड्यू टू ई ए प्लस ए बी, है ना, इधर का, और प्रेशर एट बी ड्यू टू पार्ट ई डी, इस तरफ का ई डी प्लस डी सी प्लस सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी मिलते जाएंगे, इधर रो थ्री डेंसिटी है, रो थ्री जी इंटू, ठीक है, ई ए मेरा ये आ गया है, प्लस रो वन जी इंटू ए बी मेरा आर टू बाई ई माइनस बी आया है, फिर इधर रो थ्री जी ई डी मेरा ये है, प्लस रो टू जी डी सी मेरा ये है, ठीक है, डी सी,
जो वैल्यू ऊपर आया है ना उसी को देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक हो, ठीक है, तो जो वैल्यू आया है उसको देखना है और सारा वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू आया होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आया है आर वन माइनस आर थ्री बाई ई, ये जो है ये क्या है, ये है आर वन माइनस आर थ्री बाई ई, ठीक है। और जो लास्ट वाला है ये हमारा आया है आर थ्री बाई ई माइनस बी, ठीक है। आपको सबको सोल्व कीजिए, जी कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, काफी आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर एक बार अप्लाई करने के बाद फिर प्रूफ करना कितना सिंपल है ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा चलिए, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ हाइट 2h, ठीक है, हाइट इसका 2h है, रेडियस आर है, क्लोज्ड है एट द टॉप, ठीक है, इज जस्ट फिल्ड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, ऑफ डेंसिटीज क्या क्या है, सिग्मा है और रो है, ठीक है। शो करना है इफ द एक्सिस बी ग्रेजुअली इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट ए लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये लोवेस्ट लिखा हुआ होगा, एट ए लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस विल नेवर एक्सीड दिस वन, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, एक्सिस, सो दैट इफ द एक्सिस बी ग्रेजुअली इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस विल नेवर एक्सिस, ठीक है। तो जो इंक्लाइनेशन एंगल है, ठीक है ना, सो दैट इफ द एक्सिस बी ग्रेजुअली इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस, ऊपर से देख लेते हैं, ऑफ रेडियस आर क्लोज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रेशर छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेशर फाइंड कीजिए, यानी प्रेशर बताइए, प्रेशर एट दी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दी बेस विल नेवर एक्सीड दिस वन, ठीक है, यानी प्रेशर एट पॉइंट बी, ये जो हमारा लोअर मोस्ट है, तो यहाँ पे हमको प्रेशर को बताना है कि वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ये हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप जूम करके देखिएगा तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह से इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, सिलेंडर को, तो दो तरह का देखिए लिक्विड कॉलम दिख रहा है आपको, तो एक का जो इंटरफेस है, ठीक है, वो ऐसा होगा, ऊपर वाले का देख रहे हैं ई से लेकर के ये एफ एच लिखा गया है, और नीचे वाले का जो है ऐसा होगा ना डीई, ठीक है। इसको आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये देखिए ये मेरा डीई है और ये मेरा जो है वो एफ एच है, ठीक है। ओके, फिर पॉइंट ए से जब हम लोग लेंगे तो जो परपेंडिकुलर वगैरह डाला गया है वो आप डालेंगे, ठीक है, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, ओके, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, थ्योरी आपका लिखा हुआ है एफ आर, ये एफ आर है, ठीक है, एफ आर परपेंडिकुलर ए एल डालेंगे, ठीक है, ए एल परपेंडिकुलर डी ई डालेंगे, ठीक है, और ओ आर डैश ये परपेंडिकुलर होगा एफ आर डैश में, ठीक है ना, एफ आर डैश में ओ आर डैश को परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए आर क्या मिलेगा, ए आर मिल जाएगा एच कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो कि ए एफ आपका एच है ना, तो आप ट्रायंगल लगाइएगा, क्या ट्रायंगल ए एफ आर, तो इसमें आपको ए आर एच कॉस थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से जो आर डैश ओ है वो क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए ओ एफ क्या है, ये रेडियस ऑफ बेस है, प्लेन बेस, ठीक है, आर, तो हमारा जो आर डैश ओ है किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ओ आर डैश एफ, ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो इससे आपको आर डैश ओ मिल जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा ओ एफ जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो जो हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है,
ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक बार आया है देख लीजिएगा, ठीक है ना, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का प्रेशर एट पॉइंट बी, वो दोनों लिक्विड की वजह से होगा, रो के वजह से भी और सिग्मा की वजह से भी। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल और इसका क्यू एल, लेकिन चूंकि दोनों सेम लिक्विड है तो ये बराबर होगा। इसको आप ऐसे लिख दें, ए एल को ए आर प्लस आर एल लिख दें, फिर हमारा आर एल क्या है फिगर में, आर डैश ओ के बराबर है, ये बराबर कर लीजिए, दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। वैल्यू डालने के बाद आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री को यूज करेंगे, ठीक है। जब ट्राइगोनोमेट्री को यूज कीजिएगा, अब क्या देखेंगे कि जैसे एच बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एच बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर ये मेरा साइन अल्फा है, अगर हम इसको साइन अल्फा मानते हैं, देन क्या हो जाएगा, जो आर बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग करेंगे, जब आप सेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, यानी ये आ गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, ये साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, नो डेफिनेटली देख रहे हैं ये क्या है, ये जो है एक साइन का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लेस देन वन होता है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू। तो अगर हम इस टर्म को हटा देंगे तो लेस देन इक्वल टू वन का यहाँ पे साइन लग जाएगा, और जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा जूम करके आप फिगर को समझिएगा, तो इसमें भी जो हम लोग लिक्विड कॉलम का जो वर्टिकल हाइट निकाले हैं, ठीक है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको बस दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत कुछ जान गए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे देखिए, एक है हमारा राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, ये हमारा कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन है, आ गया है, तो देख लीजिएगा क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है सरफेस ऑफ जो हैवी लिक्विड है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल पे होता है, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगाए भी हैं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी फ्री सरफेस होगा हैवी लिक्विड का, वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, रेस्ट पर। सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड विच डू नॉट मिक्स आर हॉरिजॉन्टल, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिक्विड फाइंड देयर ऑन लेवल, ठीक है, ऑन लेवल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ देयर बी टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स, देन द लाइटर विल ऑक्यूपाई हायर पोजिशन, जैसा पहले बताए थे, और जो हैवियर होगा वो क्या लेगा, लोअर वन लेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन है, वो मैं आपके होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, ठीक है, आप उसको बस देखें, क्वेश्चन को पॉज करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे देखें, ये क्वेश्चन है ना, चांस है कि इसको भी पूछ दे, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड थ्री रो विच डू नॉट मिक्स टूगेदर जस्ट फिल ए कोन विच इज हेल्ड विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स अपर मोस्ट, ठीक है, प्रूव दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द बेस इज थ्री माइनस क्यूबिक रूट ऑफ फोर टाइम्स द प्रेशर एट द पॉइंट वेन द कोन इज फिल्ड विद द लिक्विड विद द लाइटर लिक्विड। लाइटर लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को इसका वेट कंसिडर नहीं करना, ठीक है, आपको इसका वेट कंसिडर नहीं करना है, और आपको इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम मैंने कर दिया है, थोड़ा इसको फिर से ले चलते हैं वहीं पे जहाँ पे था ये, ठीक है, यस। अब देखिए, अब आपको देखने में इजी होगा, तो ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है, और उसके बाद इसको आपको आपको बाय योर सेल्फ बनाना है, ठीक है। ऐसे मैंने पूरा डिटेल के साथ में यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब दोनों लिक्विड प्रेजेंट होगा तो इस तरह का होगा शेप, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये पता है आपको, ठीक है। जब सिर्फ लाइटर लिक्विड को फील्ड करेंगे तो ये शेप होगा, और हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो प्रेशर एट
दोनों केस में हम लोग प्रेशर एट लोअर मोस्ट पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, एक में डी है, एक में सी है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से डील करेंगे। और देखिए, जब आप प्रेशर एट सी फाइंड आउट करेंगे, सी पर जब प्रेशर निकालेंगे, तो दो लिक्विड की वजह से निकालेंगे, ये लिक्विड और ये लिक्विड, ठीक है। जब सिंगल होगा, उसमें सिर्फ लाइटर लिक्विड होगा, तो प्रेशर एट डी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और आपका ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज किया है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखें, ये क्वेश्चन है, एक थिन यूनिफॉर्म साइक्लोइड है, ठीक है, साइक्लोडियल है, साइक्लोइडल, साइक्लोइडल बोलते हैं इसको। एक थिन यूनिफॉर्म साइक्लोइडल ट्यूब कॉन्टेंस इक्वल वेट ऑफ टू लिक्विड ऑक्यूपाइंग लेंथ ए एंड बी। इफ इट इज प्लेस्ड विद वर्टेक्स वर्टिकल एक्सिस, प्रूव दैट हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ फ्लूड अबव द वर्टेक्स ऑफ द ट्यूब आर, ठीक है। ये इस रेशियो में होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको बस आपको एक बार देख लेना है। तो आइए, इसको कुछ हम आपको इसको फिगर से समझा देते हैं, ठीक है। फिगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। देखें, तो देखिए ये सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का लिक्विड है, एक का डेंसिटी रो है, एक का सिग्मा है, ठीक है। तो पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, सी ए, सी से लेकर के ए तक का, ठीक है। ये हम लोगों का ए है, ये हम लोगों का बी है, ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। डी वर्टेक्स है और डी सी जो है एस है। तो अब सब को सपोज कर लीजिए, जो भी लिक्विड कॉलम है, डी एल डी एम डी एन, ठीक है। क्योंकि लिक्विड हमारा डिफरेंट डेंसिटी का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इक्वल वेट इम्प्लाइज इक्वल वॉल्यूम होगा, कि इम्प्लाइज नहीं करेगा, ठीक है। इक्वल वेट भी अगर आप लेंगे, तो अलग अलग डेंसिटी का है, तो अलग अलग स्पेस को अक्वायर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंस द वेट ऑफ द लिक्विड्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों का वेट इक्वल है, तो ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। तो ए लेंथ का जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, जैसे ये है जो हमारा, ये है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, ये है आपका मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, या इसको आप बोलिए वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वेट क्या होगा। तो जो हम लोग का, जैसे वेट हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अब देखिए, जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो होता है एस इंटू जेड, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंटू जो है उसका लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों तरफ का सेम है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ उसका लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर ए से, इधर बी से, तो हमको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको मिल गया, तो अब हमको कुछ करना नहीं है। हमको क्या करना होता है, हमको जो लोअर मोस्ट पॉइंट है डी, वहां पे हम क्या करेंगे, दोनों का प्रेशर को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा क्या है ना, यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा प्रेशर एट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एट डी फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल टू प्रेशर एट डी फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से तो यही होगा प्रेशर, ठीक है, रो जी वाई वन, ये इसका वर्टिकल कॉलम है, इधर हो जाएगा रो जी वाई थ्री, ठीक है, प्लस सिग्मा जी वाई टू माइनस वाई थ्री, आप फिगर में देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा बाई जी का वैल्यू ये आ जाता है, और ऊपर में ए बाई बी आया था, ठीक है। इन दोनों को भी रहने दीजिए। अब देखिए, जो मेरा साइक्लोइड का इक्वेशन होता है वो ये होता है, याद रखना है, आर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्किल है ऑफ साइक्लोइड, और वाई क्या है, वर्टिकल हाइट है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वर्टेक्स विच इज एट आर्क डिस्टेंस एस फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। तो अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट को अप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट को अप्लाई कीजिएगा, ये होगा। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट को अप्लाई कीजिएगा, तो ये होगा, ठीक है। अभी जो सारी चीजें हमारी आ गई हैं, तो हम लोग बस क्या करने वाले हैं, इन वैल्यू को पुट अप करेंगे और हमारा काम फाइनल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप, ठीक है, यहाँ से ये होगा हमारा,
जब हम लोग थ्री और फाइव को आपस में माइनस करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, और जब फोर और फाइव को माइनस करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को जो फाइंड आउट करना है ये चीज, तो वाई वन माइनस वाई थ्री बाई वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, ये जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमको ये आएगा, ठीक है, ये ए बाई बी के इक्वल है। तो यहाँ से आपका ए ए और बी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों को ये बचेगा, यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए और फाइनली इसको वाई वन बाई वाई टू जो हम लोग कहा था उसमें पुटअप कर दीजिएगा, तो आपका प्रूफ हो जाता है। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान था। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो सिंपल ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ टिपिकल आता नहीं है, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए और इसको एग्जाम में ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन चूंकि हर जगह नहीं मिलता है मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे, तो इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छा करने का पूरा भरपूर कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।